मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। कहते जी कि बीवी जो है वो शौहर की किस तरफ सोना चाहिए? शौहर के ऊपर सोना चाहिए। तरफ तो फर्क पड़ गया ना, दाएं फिर बाएं फिर नीचे, तो इसलिए जान छूट गई ना ऊपर सो जाएगा। अल्लाह के बंदे बीवी है, जिधर चाहे सोए, ये कोई पूछने की बात है? बाहर निकले तो आगे कौन चले? आगे बीवी चले, खावन पीछे जूते लेके चले। अब जो लोग ऐसे मसले पूछे ना, मैं क्या करूं, मुझे बताओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने मर्द को इमाम बनाया है, औरत को तो नहीं बनाया। साफ जाहिर है कि मर्द आगे चलेगा। औरत पर शौहर का ज्यादा हक है या हजूर पाक का ज्यादा हक है? शौहर अगर हजूर पाक के हुक्म के खिलाफ हुक्म दे तो उसके मुंह पे मारे, वो नहीं मानना। सबसे पहला हक अल्लाह अल्लाह के रसूल का है, उसके बाद वालिदैन का है, फिर शौहर का है। अब ये तो नहीं है कि शौहर तुम्हें कहे कि जी कलम में चलो डांस करते हैं, शराब पीते हैं, बिल्कुल नहीं। लानत भेजी है शौहर पर। ज़ौजैन के हकूक पे अल्लाह ने दोनों के हकूक रखे हैं। खावंद का हक ये है कि बीवी की इज्जत और अजमत का ख्याल करे, हकूक ज़ौजियत अदा करे, नान नफका घर सब कुछ ये खावंद के ज़िम्मे है। और बीवी के ज़िम्मे इताअत है, फरमाबरदारी है, उसके हकूक का पूरा पूरा ख्याल रखे, उसकी औलाद का ख्याल रखे। और हदीस मुबारक में आता है, सबसे अच्छी औरत वो है इज़ा नज़र इलैह सर्रत हो, जब बीवी पे नज़र पड़े तो खुश हो जाए, यानी बन समर के बैठी हो खामंद के लिए। वह इज़ा अमर अताअत, और जब कोई हुक्म करे तो फरमाबरदारी करे। वह इज़ा गाब अनहा, अगर खामंद चला जाए हफाजत, तो उसकी इज्जत की भी और उसके माल की भी हिफाजत करे, वो अच्छी औरत है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।